तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि हमारे चैनल में किसने कमेंट किया है तो आप खुद देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच लॉरम। और एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि फ्री फायर कम्युनिटी में सपोर्ट करना कोई तुमसे सीखे। तो अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली लॉरम के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने लॉरम के बारे में स्टोरी कवर किया था और उसकी स्टोरी के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। उसी वीडियो में भाई लॉरम ने कमेंट कर दिया। हिंदी तो उसे नहीं आता, इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लो, लेकिन फिर भी उस वीडियो में उसने कमेंट किया। अब यही कारण है कि उसके चैनल में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट हो जाए। अब देखो, लॉरम ने केवल मेरे चैनल में कमेंट नहीं किया, उसने उन सभी छोटे चैनल में कमेंट किया है जिसमें कि इसके ऊपर वीडियो बनाया गया था। और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग लॉरम को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। लॉरम जैसे लोगों के वजह से ही लोग फॉरेन के फ्री फायर प्लेयर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन फ्री फायर प्लेयर लाइक लोकेश गेमर, एएस गेमिंग, ज्ञान सूजन और बहुत सारे लोग हैं। अब देखो, ये बोलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं सारे इंडियन प्लेयर्स को बुरा कह रहा हूं। मैं कुछ लोगों को कह रहा हूं जिनका नाम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। वैसे भी हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में योद्धाओं की कमी थोड़ी ना है। अगर फॉरेन सर्वर में एल्टिंग किंग रूक एफएफ है तो हमारे पास जोनी गेमिंग है। अगर फॉरेन में बेस्ट पीसी प्लेयर वाइट ट्रिपल फोर है तो हमारे पास स्मूथ एंड स्नीकी है। अगर फॉरेन में बेस्ट मोबाइल प्लेयर M8N है तो हमारे पास ट्राई स्टार है जो कि फुल टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो कि केवल गिव अवे करके अपने चैनल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं। और दुख का बात यह है कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को यही लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई बाहर का बंदा हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को देखता है तो सबको लगता है कि फ्री फायर प्लेयर में केवल और केवल लालची लोग भरे हुए हैं जो केवल डीजे आलोक और डायमंड मांगते रहते हैं। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे फ्री फायर कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन वेट, हम लोग इसे बदल सकते हैं और इस चीज के लिए हमें जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या आप तैयार हैं और क्या आप ये चेंज लाना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। पता है कि हम टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक चुके हैं क्योंकि हम लोग बात करते हैं लॉरम के बारे में। भाई तूने गजब ही कर दिया यार, और तुम्हें एक ही चीज कहना चाहता हूँ, थैंक यू सीधा दिल से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि करना बहुत ही जरूरी है, वो ये है कि वीडियो खत्म करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।